हमारे रामटेक के सांसद आदरणीय कृपाल तुमाने जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आशीष जायसवाल जी, आदरणीय WCL के MD मनोज कुमार जी, मंच पर उपस्थित नवाब अली आवरजंग इंस्टीट्यूट के अरुण जी और उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, आज का यह दिन निश्चित रूप से हम सबके जीवन में विशेष रूप से याद रहेगा, क्योंकि मुझे याद है कि आज से पाँच छः साल पहले मैं जब महल में रहता था तब WCL के MD मिश्रा जी थे, तब मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जो युवा ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, जो चेयर पर बैठते हैं, स्ट्रेचर पर जाते हैं, ऐसे लोगों को हमें आर्टिफिशियल लेग लगा कर देना है। और मैंने ये आग्रह किया था कि हमारे वर्ल्ड में दो देश है, एक UK और जर्मनी, उसमें एक एटोबॉक्स करके कंपनी थी और उसी कंपनी के लेग्स उस समय अच्छे थे, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, पर उस समय मिश्रा जी के सहयोग से WCL ने करीब 90 लोगों के लिए ये पैर लगा कर दिए। और जिनको पैर लगा कर दिए उन्होंने अभी यहाँ कराटे का प्रात्यक्षिक किया, बुलेट चलाया, फाइटिंग की, यानी आम आदमी जो कर सकता है वो सब काम वो करते हैं। ऐसे ही जवान क्रिकेट खेलता है, ये उसी कैंप में थे और इनको सबको ये इसको दोनों पैर उसी समय लगाए थे, ये जो कराटे वाले हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रात्यक्षिक किया। इन सब लोगों को तुझे नाव कह रहे मक्सा सुमित काटे काटे साठे, ये लड़का मेरे पास आता था और मैंने कहा कि तुम इसमें सब लोगों की लिस्ट तैयार करो, और WCL ने इन लोगों को ये पैर लगा कर दिए, कितने अच्छे हो गए आप देखो, इनका जीवन बदल गया। तो आज मैंने फिर पूछा कि पैर कहाँ के हैं, तो पैर कहाँ के, तो मुझे उस समय याद है कि मैंने थावरचंद गहलोत उस समय मंत्री थे, ये अलीम को करके कंपनी है भारत सरकार की और ये दिव्यांगों के लिए सब साहित्य तैयार करती है, इनको हमने मेडिकल कॉलेज में काफ़ी बड़ी जगह भी दी है और इसका ऑफिस भी यहाँ है। और इस कंपनी को मैंने कहा था कि ऑटोबॉन या UK के कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर करिए, और मैंने जर्मन और लंदन में कंपनियों के साथ बातचीत भी की और थावरचंद जी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करके दिया और अलिम्को का जॉइंट वेंचर हुआ। और अभी आज जो पैर लगने वाले हैं वो उन्होंने मुझे बताया कि वो जॉइंट वेंचर में तैयार हुए उसी क्वालिटी के हैं, इस बात का मुझे समाधान है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है अच्छी होगी तो इन लोगों को कॉमन आदमी जैसा ये काम कर सकते, बुलेट भी चलाते हैं ये, जब साठे और ये सब मेरे घर पर आए तो बुलेट चलाए उन्होंने मेरे घर में, तब मिश्रा जी उस समय थे, तब इनको सबको हमने उनका सत्कार किया था और आज भी इसी प्रकार से दिव्यांगों के लिए ये साहित्य का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और अब मेरे भी आंखें खराब है क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में क्या गड़बड़ है वो पहले चेहरे से पहचान लेता हूँ, तो ये लोग जब दान करते हैं तो मरी गाय बम्बन को दान, जो दूध नहीं देने वाली उसको दान करते हैं, तो मैंने क्वालिटी भी देखी क्योंकि इसकी क्वालिटी में अब काफ़ी सुधार हुआ है एलिमको के, और इसलिए मैं बहुत आग्रही रहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो इक्विपमेंट है वो मिलने चाहिए। अभी जैसे अरुण जी ने बताया, मैं आपके इंस्टीट्यूट से बहुत दिनों से संबंधित हूँ, ये 3-4 साल में मेरा आपसे संपर्क नहीं हुआ, पर ये जो टॉपलर इम्प्लांट है इसके लिए हमने मेयो में विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई और डॉक्टर कीर्तने करके है,
जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है उनको नागपुर लाकर उनके हाथ से ऑपरेशन किए मेयो हॉस्पिटल में। अब वो काफ़ी बच्चों को उन्होंने ऑपरेशन किया और उनके डॉक्टर अभी असिस्टेंट जो थे वो तैयार हो गए हैं और ये मेयो हॉस्पिटल में है। वैसे ये इस विषय में जितनी जानकारी है उतनी लोगों में नहीं है। जो टॉपलर इम्प्लांट है ये छोटे छोटे बच्चों को सुनने में नहीं आता, उनके ऑपरेशन से उनका जीवन बदल जाता है। और इसलिए मैं एमडी साहब को कहूँगा कि जो 6 लाख रुपए लगते हैं उसको, अब मालूम नहीं उसकी कीमत कुछ कम हुई क्या, थोड़ा कम हुआ है। तो मैं जब एमएसएमई मंत्री था तो मैंने विशाखापट्टनम में एक मेडिकल डिवाइसेस का पार्क खोला। अभी 7 करोड़ का एमआरआई 2 करोड़ में होता है। 5 से 7 लाख रुपए का जो वेंटिलेटर था वो 500 वेंटिलेटर हमने कोविड के समय डोनेट किए, एक की भी तकरार नहीं है, वो 1,47,000 रुपये में। तो इसका भी वहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो मैं कोशिश करूँगा, पर इससे बच्चों को जीवन मिलने वाला है। और ये जो पिछड़े हुए गरीब लोग हैं वो कहाँ से 6 लाख रुपए लाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से कम WCL के क्षेत्र में जो ऐसे बच्चे हैं उनको CSR से अगर मदद की जाएगी, पैर लगाए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। मैं MD जी WCL के MD मनोज कुमार जी और उनके सहयोगियों को आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सब की ओर से और हमारी विदर्भ की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात है कि अलिम्को के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना में ये जो ट्रेड यूनियन के लीडर सब बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि जो आपके रिटायर्ड कामगार है, उनकी पत्नी है, गरीब लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग है, ऐसे सब लोगों को भारत सरकार की ओर से फ्री ऑफ चार्ज हम लोग स्टिक, कुबड़ी, श्रवण यंत्र, 3 चाकी खुर्ची, दाताची कवड़ी, चश्मा, कमरेचा पट्टा, संडास खुर्ची, मानेचा पट्टा, ये सब फुकट दे रहे हैं। और इसके लिए मेरा अनुरोध है, अभी तक 18,000 लोगों ने नोंदनी की है। तो WCL के क्षेत्र में जितने आपके 60 साल के ऊपर ज्येष्ठ नागरिक है उनका आधार कार्ड अगर लेकर आप आएंगे और ऐसा कैम्प करेंगे तो आपके भी 1,000 लोगों को ये फुकट में देने के लिए हम तैयार हैं। और मुझे लगता है सभी यूनियन के लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी गरीब कामगार जो बेचारे रिटायर्ड हुए हैं उनको ये सब साहित्य मिलेगा। 8 दिन और इसके लिए बढ़ाया है, मैं खुद उसका मॉनिटरिंग करता हूँ और नागपुर महानगर पालिका, जिलाधिकारी सब इसमें काम कर रहे हैं। और इसी योजना को नागपुर ज़िले में करने के लिए मैंने आग्रह किया है और भारत सरकार से उसके लिए अनुमति भी मिली है ताकि आपके क्षेत्र में भी ये कैंप होगा तो फ्री ऑफ चार्ज सबको मिल जाएगा, तो दिव्यांगों को भी सामान मिलेगा, सीनियर सिटीजन को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है ज़रूर इसमें आप सब लोग सहयोग करिए। जहाँ तक WCL ने कोल के क्षेत्र में और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ये मेरा उनसे अनुरोध है। और मैं ये ट्रेड यूनियन वालों के सामने बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बाद में नहीं तो झंडा लेके आपको और तकलीफ़ देंगे, तो इनको पता नहीं होगा कि भारत सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी का मैं अध्यक्ष भी हूँ और फाइनेंस से मिनिस्टर उसकी सदस्य है। और प्रधानमंत्री का आदेश है कि जो लॉस मेकिंग है, काम नहीं कर रहे, उनको डिसइन्वेस्ट करो। अभी मैग्नीजोर ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बड़े मुश्किल से मैंने बचाया। और इसलिए आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ये जो प्रशासन है 4-4 साल फाइल लेके बैठता है और एक एक बात के लिए परमिशन लेने के लिए दिल्ली लेटर भेजते रहते हैं, अभी तक अगर ये काम 6 महीने में होता तो देश में कोयले की शॉर्टेज नहीं होती। अब देश में कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है और इसलिए जहाँ कोल है वहाँ माइन खोलना तुरंत, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। और वो माइन से जितना प्रोडक्शन होगा, तुम्हारे जी ने कहा कि मार्केट में कोल की प्राइस बढ़ी है, इसका WCL को फ़ायदा नहीं है,
जिस दिन ये 12,000 रुपये में बेचेंगे उस दिन बिजली तुमको 14 रुपये यूनिट मिलेगी। अभी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली मिल रही है 5 रुपये 6 रुपये यूनिट में गरीबों को, इसका कारण ये सस्ता कोयला देते इसलिए मिल रही है। तो इनके रेट कोयले के कभी नहीं बढ़ाना, नहीं तो सब तकलीफ हो जाएगी। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में विशेष रूप से हम सबको बिजली मिलती है और ये कोयला मिलता है इसलिए ये मिलती है। अब ये बात अलग है कि कोयले के साथ ये पत्थर भी बेचते हैं, और महाराष्ट्र सरकार मुझे मालूम नहीं पर अभी शायद एक दावा जीत गई है 2,500 करोड़ का, बराबर है ना, शायद अभी कोई केस जीती है, क्योंकि नासिक में और कोराड़ी में इनके स्मारक के रूप में खूब पत्थर पड़े हुए हैं, और पत्थर कोयले के भाव से पत्थर भी चले जाते हैं। और ये जो इनका टेस्टिंग है, ये जो ये बोलते हैं उससे 2 डिग्री नीचे ही होता है, ये अगर 4,000 कैलोरिक वैल्यू कहेंगे तो वो 3,000 निकलता है, 3200 निकलता है, क्योंकि ग्रेडेशन सिस्टम में जो टेस्टिंग है ये होता नहीं। तो इसमें मैंने काफ़ी हायर लेवल पर बहुत बार ये बातें कि कुछ सुधार हुआ है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करो, और थर्ड पार्टी में जो सोना है तो सोने का भाव लो, चांदी है तो चांदी का भाव लो। तो अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। एक 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ कोल सेक्रेटरी और मंत्री जी की मीटिंग हुई थी, और उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय मंत्री जी ने लिए हैं। तो आने वाले समय में कोल प्रोडक्शन बढ़ाने को उनको ने और एक अच्छा निर्णय किया, जिसका कृपाल जी ने उल्लेख किया है कि जो माइन बंद पड़ी है, इकोनॉमिकली नॉन वायबल है, उसके बारे में मैंने WCL MD से जानकारी मांगी थी, और मैंने उस समय एक पत्र देकर प्रहलाद जी के साथ बैठकर मीटिंग करवाई, और मैंने उनको कहा कि जो आपको नॉन वायबल है, अगर कोई प्राइवेट वाला आता है तो देखकर देखिए उतना कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उन्होंने वो पॉलिसी लाई और अब 100 कोल माइन का ऑक्शन हुआ है, जिससे नए रोजगार निर्माण होंगे और उसका फायदा होगा। और एक बात हुई है कि पिछले सप्ताह की कैबिनेट के मीटिंग में एक बहुत बड़ा निर्णय कोल एक्ट में सुधार करने का निर्णय हुआ है। अब जो खाली जगह है उसमें कोल बेस वॉशरीज लग सकती है, वहाँ मीथेन के लिए फैक्ट्री डाल सकते हैं। अभी अमोनियम नाइट्रेट का शॉर्टेज है, ये जो कोल प्रोडक्शन कम हो रहा है इसका कारण अमोनियम नाइट्रेट नहीं है। और मैंने जब इसका अध्ययन किया तो देश को 30 लाख टन 35 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट लगता है, और हमारे देश में 6 से 8 लाख टन ही होता है, बाहर से आता है। तो कोयले से मिथेनॉल और मिथेनॉल से अमोनियम नाइट्रेट, मिथेन से अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है। और मुझे मंत्री जी ने, सेक्रेटरी ने बताया कि आपके क्षेत्र में उन्होंने मिथेन से मिथेन बनाना और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के बारे में उन्होंने आपके इस क्षेत्र में हमने अनुमति दी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भी आप करिए। दूसरा, मिथेन से यूरिया बनता है जो हमारे देश में 50,000 करोड़ का हम इम्पोर्ट करते हैं। इसके साथ मिथेन से DME बनता है, और अमेरिका में जो हमारा LPG गैस का सिलेंडर है उसमें 20% DME डाला जाता है, तो हमारा गैस सिलेंडर 30-40 रुपये सस्ता होगा, तो गरीबों का फायदा होगा। तो ये सब बातें, मेरा अनुरोध है कि केवल WCL ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग टेंडर निकाल कर बुलाइए, और उसमें ये शुरू होगा तो विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ प्रगति होगी, विकास होगा, और हम सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पर्यावरण का भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरी अनुरोध है अभी आशीष और कृपाल जी से, क्योंकि तुम्हारा राज है महाराष्ट्र में, तो अब हम कहाँ जाएंगे। तो अब ये मैंने बड़े प्रयासों से WCL की जो मिट्टी निकलती थी डंप, उससे सैंड निकालने की टेक्नोलॉजी लाई, इन्होंने सैंड निकाली। अब ये सैंड गरीब लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सस्ते में देने के लिए तैयार है, पर महाराष्ट्र सरकार कहती है कि सस्ती नहीं बेचना, क्योंकि जो सैंड के माफिया है, जो माल दबाकर खा रहे और लूट रहे देश को, उनके फायदे के लिए ये कानून हो सकता है। अगर ये सैंड की कीमतें कम हुई तो गरीब लोगों को फायदा होगा, और ये दुकानदारें बंद होगी सब घाटों पे, सब नेता उसी पे भिड़े हैं।
तो गरीबों को सैंड सस्ती मिलनी चाहिए, ये आप हमारे प्रतिनिधि है, आप भी है, वो बुलाइए और ये सब ब्लैक मार्केट बंद होना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाइए, मैं भी उठाऊंगा। इन्होंने रेट कम करने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, इनकी तैयारी है, मेरी बात हो गई ये, और तुम बोलोगे उतना कम, इनको तो फुकट में पैसा मिल रहा है, देखो इनको फुकट में मिल रहा है, जो इनका डम पड़ा हुआ है उसमें से सैंड निकाल कर बेच रहे, तो मिट्टी बेच रहे, उनके लिए मिट्टी है वो, उससे फेंकना रखना इनके लिए प्रॉब्लम था। तो ये भी बात जो है जो गरीबों के लिए हो सकती है। एक साहब इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इमिशन नॉर्म्स जो है वो यूरो 6 के लाने वाला हूँ, अभी मैंने कार में लाए, ट्रक में लाए, अब आपके मशीनरी में लाऊंगा, और आपके जो ट्रक और सब जो है वो यूरो 4 इमिशन नॉर्म्स में है, BS4। अब मैं यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को मैंडेटरी करने वाला हूँ, तो आप पहला काम करिए कि डीजल का यूज कम करिए, जनरेटर सेट में इथेनॉल यूज करिए, हम देने के लिए तैयार है आपको, इलेक्ट्रिक करिए, मिथेनॉल यूज करिए, और इतना ही नहीं तो आप LNG, CNG, अभी CNG नागपुर में आ गया पाइपलाइन से, तो आप CNG के पंप आपके यहाँ खुल जाएंगे, अब घर में पाइपलाइन से गैस आएगा, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, हमने ऐसी योजना लाई है कि अब सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं, गैस सस्ता होगा और तुम्हारे घर में मीटर होगा, तो धीरे धीरे WCL को भी ये लाइन आ जाएगी, तो ये CNG पर कन्वर्ट करिए, LNG पर कन्वर्ट करिए, 100 रुपये के डीजल के बजाय 50 रुपये का गैस लगेगा, आपकी बचत हो जाएगी, पोल्यूशन कम होगा। तो मुझे लगता है कि ये नए एक्ट के आधार पर ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए भी आपसे हमारी अपेक्षा है कि हमारे क्षेत्र में कोल माइन के क्षेत्र में पर्यावरण के दृष्टि से प्रदूषण कम होना चाहिए। दूसरा, अब आपको अधिकार मिला है कि जो जगह पड़ी है जो इन्वायरमेंट के ऊपर से दिखती है, टेकड़ी की टेकड़ी पड़ी हुई है, एक भी पेड़ नहीं लगता, तो आप सामाजिक संगठन को, NGOs को, एजुकेशन संस्थाओं को, इवन कॉरपोरेट को पेड़ लगाने के लिए अब दे सकते हैं, हमने कानून में सुधार कर दिया है। तो हमारे यहाँ की ग्रीनरी बढ़ाने के लिए आप विशेष रूप से योगदान दीजिए, ताकि हमारे यहाँ के इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो इम्बैलेंस हुआ है और कोल का उत्पादन जमीन से होने के कारण, इसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। कोल का प्रोडक्शन जब मिश्रा जी थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि हमने एक प्लान बताया था, अब आप है सर, इसको और कम से कम 20 मिलियन टन और बढ़ाना चाहिए, नहीं तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि कोल की कमी से फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। अब महाराष्ट्र में कोल लोड शेडिंग शुरू हो गया, मेरे गांव में 3-3 दिन का लोड शेडिंग चालू हो गया, अभी किसानों के खेत को पानी नहीं मिलेगा, फिर पुराने दिन आएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोल प्रोडक्शन वॉर फुटिंग पर आप बढ़ाएंगे तो पावर की कमी नहीं होगी, और पावर सेक्टर के लिए इसके लिए आप सुरक्षित कोयला पहले प्रायोरिटी में रखिए, नहीं तो आने वाला समय और कठिन होगा। आपका निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगों के विकास के लिए, यहाँ के जवान लोगों को रोजगार निर्माण करने के लिए बड़ा योगदान है। और आखिरी में आपको एक बात कहूँगा कि ये हमारे कर्मचारी है, इनको आप खाली जगह देकर स्मार्ट शहर जैसा बना हुआ है वैसा स्मार्ट विलेज आपके एरिया में बनाइए, इनको अच्छे घर बना के दीजिए, 24 घंटे पानी, सोलर पावर, ताकि इनका रिटायरमेंट का लाइफ भी अच्छी तरीके से जाए, इनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, इनको मेडिकल की सभी सुविधाएं मिले, नहीं तो अभी जो आपकी कॉलोनी है वो उतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से देखकर लगता है जानवर बांधने के लिए बनाई है वैसी लगती है, तो वो थोड़ी अच्छी बना के दीजिए, और ये सस्ते में बन सकती है, और ये पैसे ये भरेंगे तो जो सब जगह पर इनको अच्छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिजली, पानी, गार्डन, अच्छे प्रकार के ग्रीनरी, तो खेलने का मैदान, तो इनका भी लाइफ इसमें बहुत बदल सकता है। आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और आपके नेतृत्व में आने वाले समय में निश्चित रूप से WCL
हमारे विदर्भ के क्षेत्र को प्रगति और विकास की ओर ले जाने में अग्रणी रहेगी। और सामाजिक दायित्व के भाव से मैं आपको और एक धन्यवाद दूंगा कि कोविड के समय मैंने आपको प्रार्थना की थी, मंत्री जी को भी की थी, और मेरी रिक्वेस्ट पर आपने 25 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए नागपुर कलेक्टर को दिए और उससे चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज, बाद में नागपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स, चार जगह आपके सहयोग से बहुत बड़े बड़े कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट लग गए। अभी कोविड तो आना नहीं चाहिए, पर अभी आएगा। जो कठिन समय से हम उस समय गुजरे थे, उस समय में अभी आपने ये जो व्यवस्था करके दी है वो गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी उपयोगी होगी। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में इसी प्रकार से एक तरफ विकास भी होगा और गरीबों के लिए आप सेवा करने के लिए CSR से इसी प्रकार से मदद भी करोगे, इसी विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट।